हेलो गाइस, मैं रोशन एंड आप देख रहे हो लर्निंग फन। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ अरिहंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक, और ये जेई मेंस एंड एडवांस दोनों का वर्जन है। तो ये वीडियो अगर आप जेई एस्पायरेंट हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये मस्ट हैव बुक है सारे जेई एस्पायरेंट्स के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जितने फ्रेंड्स हैं जो आपके जेई एस्पायरेंट्स हैं सारे के साथ शेयर करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्राइस बता देता हूँ। तो इस तीनों बुक को मैंने कॉम्बो परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, तो इसका प्राइस मुझे 900 लगा था। तो अब बुक के ऊपर आते हैं। इस बुक का कंटेंट्स देख सकते हो, इसमें 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के PIQs गिवन हैं। तो ये देख सकते हैं सीक्वेंस, देन यहाँ पे सेपरेटली जेई मेंस का सिलेबस एंड फिर यहाँ पे सेपरेटली जेई एडवांस का सिलेबस गिवन है। तो ये देख सकते हो। एंड अब आते हैं चैप्टर्स पे कैसे क्वेश्चंस गिवन है। मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज ओपन किया है और इस बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के हैं, और 1979 से लेकर के 2020 तक है एज पर यहाँ पे मेंशनड है। तो कैसे यहाँ पे इसमें सबसे मैंने दिशा पब्लिकेशन का नहीं लिया, ये पब्लिकेशन लिया क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज भी गिवन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस बुक को क्यों मैं बोल रहा था कि मस्ट हैव बुक है, क्योंकि इस बुक में सारा टॉपिक वाइज गिवन है, क्वेश्चन सारे के सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज गिवन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए और स्पेशली मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मेंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देख सकते हो टॉपिक वाइज सारा पैसेज बेस्ड इंटीजर टाइप सारा क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक वाइज गिवन है इस बुक में। देन इस बुक में आंसर की लास्ट में गिवन है, तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो बुक में लास्ट में आंसर की गिवन है एंड सबसे लास्ट में इसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस जो कि पर क्वेश्चंस का गिवन है एंड एकदम डिटेल्ड गिवन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये बुक मस्ट हैव क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, या फिर आप इसी ईयर 2021 में देने वाले हो, तो ये बुक लास्ट में भी कर सकते हो या शुरुआत से अगर साथ लेकर चलो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पर चैप्टर आप मिनिमम आप 50 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस के एंड एडवांस के। तो आप टॉपिक वाइज इसमें मेंशनड है, तो आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हो तो आप अपने सीट या फिर कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो उसको बना लेते हो, उसके बाद जस्ट इसमें टॉपिक वाइज गिवन है छांट छांट कर, तो जस्ट उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं जेई लेवल के तैयार हुआ या नहीं तो उसके लिए आप जस्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसको सॉल्व करें अगर क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनते हैं या फिर थोड़ा बहुत अप्रोच आप कर पा रहे हो स्टार्टिंग से ही, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होगा, क्योंकि आप जेई लेवल की तैयारी और जेई के कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसा ना हो कि लास्ट में आप लो लेवल के मटेरियल बना रहे थे या हाई लेवल का बहुत ज़्यादा बना रहे थे और आपका जेई लेवल पता ही नहीं था एंड आप फालतू में डिप्रेस्ड थे या फालतू में ज़्यादा ही खुश हो रहे थे कि जेई बहुत ईजी है ये सब, तो इससे आपका रियलिटी पता चलेगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको ये बुक लेना चाहिए किसी भी क्लास में हो अगर जेई एस्पायरेंट हो तो। एंड इस बुक में बहुत कम क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन गिवन है, तो 50-70 क्वेश्चन गिवन है पर चैप्टर, तो आप सारा का सारा कर सकते हो टॉपिक वाइज इसमें गिवन छाट छाट कर, तो आप डेली 5-10 क्वेश्चन करोगे आराम से चैप्टर कंप्लीट होते होते आपका प्रीवियस ईयर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बुक रिकमेंड करूँगा और अरिहंत पब्लिकेशन का रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मिस्टेक्स हैं। मैंने यूज़ किया, मैं पहले PDF से यूज़ करता था, अब मैंने हार्ड कॉपी परचेज कर लिया है, क्योंकि फ़ोन से यूज़ करके या PC में PDF से यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन होता था। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज कर लो बुक, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मार्क कर सकते हो एंड आँखों भी काफ़ी कम स्ट्रेन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं फाइनल इस बुक का बताऊँगा। तो ये सारे JS फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, सारे JS फैंस को ये बुक परचेज करना चाहिए। तो बाय। ने बोला कि बेटा तो लेजी है, पता नहीं क्या होगा करियर, और किसी भी चीजों में जोश नहीं, बस पड़ा रहता है ये मरियल। फिर डॉक्टर के पास वो लेके गई और बोला सर कुछ तो करिए, डॉक्टर ने बोला तुम तीनों को सुनो, बॉडी में कीड़ों की कमी है।